तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू इनोवा हाई क्रॉस, और आज मैं आपके लिए ऑल न्यू इनोवा हाई क्रॉस का बेस मॉडल लेके आया हूँ। अब जैसे हर कोई सोच रहा था कि इनोवा हाई क्रॉस का बेस मॉडल 18,30,000 रुपये में मिल रहा है, वो उसका जी मॉडल है जो कि फ्लीट ओनर्स के लिए रखा गया है, यानी कि सिर्फ कमर्शियल पर्पज़ के लिए। हमें जो मिलेगा ये इसका जी एक्स मॉडल है और इसकी एक शोरूम कीमत है 19,15,000 रुपये। तो आज की वीडियो में आपको समझाएंगे क्या क्या फंक्शन आपको देता है, किस तरीके के लुक्स के साथ है, क्या क्या इसमें कटौती की गई है, और साथ ही यहाँ पर इसका टॉप एंड मॉडल है जो कि इसका जेड एक्स ऑप्शनल वेरियंट है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ना, बहुत बढ़िया क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी कुछ आपको अडास के फंक्शन मिलते हैं, रडार बेस जो कि बढ़िया तरीके से काम करते हैं, ऊपर आपको एक लेन वॉच कैमरा देखने को मिलता है। ये इसका वाइट शेड है तो थोड़ा फीका आपको लग रहा होगा, लेकिन इसके ब्लू शेड को मैंने आपको दिखाया है, बहुत बढ़िया लगती है गाड़ी। ऑल LED सेटअप दिया गया है और गाड़ी बहुत अच्छी लगने वाली है। अब ये जो कलर ऑप्शन आप देख रहे हैं ये बहुत बढ़िया लगता है, बेस मॉडल में भी दिया गया है तो बढ़िया भरा भरा इसके साथ इसमें कॉन्ट्रास्ट बना के दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे क्या कुछ दिया गया है, एक तो आपको हैलोजन के साथ देखेंगे जो कि एक पार्किंग लैंप दिया गया है, टर्न इंडिकेटर आपको हैलोजन है, लेकिन यहाँ पर LED में मैं देख रहा हूँ जो कि रिफ्लेक्टर यूनिट है जो कि आपको दी गई है बेस मॉडल के साथ भी। और ये कहूँ 19,15,000 रुपये एक शोरूम में सही सही वैल्यू यहाँ पर दिखा पा रहा है। अब ये केवल आपको पेट्रोल इंजन के साथ आता है, इसमें आपको हाइब्रिड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो कि सिंपल 2000 cc का पेट्रोल इंजन है। माइलेज की बात की जाए तो 16.13 KMPL का टोयोटा यहाँ पर क्लेम कर रही है 16 के आसपास का। रियल लाइफ में ये गाड़ी आपको 8 से लेकर 9 का माइलेज देने वाली है। ये गाड़ी आपको अगर आप हाइब्रिड में लेना चाहते हैं तो आपको VX मॉडल से मिलना शुरू होगी जो कि 24,00,000 रुपए के रेंज में एक शोरूम दिखाया गया है और आपको माइलेज दे देती है 20 से लेकर 21 का। 23 KMPL का यहाँ पर टोयोटा क्लेम करती है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर आपको 20 का माइलेज मिलेगा, यहाँ पर आपको 10 के आसपास का माइलेज मिलेगा, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके साथ कोई भी आपको फॉग लैम्प नहीं मिलेगा, जिस तरीके से टॉप एंड मॉडल में आपको फॉग लैम्प दिया गया है वो चीज़ इसमें नहीं है। कुछ यहाँ पर आपको सिंपल सी प्लास्टिक हेलमेट दिए गए, कुछ यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ अच्छी चीज़ दी गई है, थोड़ा क्रोम है, टोयोटा का वही बढ़िया सा लोगो है, साथ ही ऐसी दिखाई देती गाड़ी आगे से और बहुत बढ़िया लगती है। गाड़ी की जो ओवरऑल लंबाई है ये है 4755 mm की, बहुत बढ़िया लगती है। साथ ही कट्स एंड किसेज में कोई कटौती नहीं की गई है, भर भर के दी गई है। अब कुछ ना यहाँ पर एक्सेसरी भी दी गई है तो इससे आप कन्फ्यूज मत होइएगा। टायर थोड़ा छोटा लगेगा आपको इसका, गाड़ी के साइज़ के हिसाब से जो बेस मॉडल है ना थोड़ा छोटा टायर लग रहा है, इसमें आप देखेंगे थोड़ा बड़ा सा लगता है और सही सा फिट बैठ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो क्या साइज़ है, 205/65 radial 16 का। हाई क्रॉस के साथ टोयोटा ने थोड़े छोटे पतले टायर दिए हुए जिससे इस गाड़ी का माइलेज अच्छा हो पाए और फिर ये बता पाए कि 23 KMPL के माइलेज के साथ हम आपको एक गाड़ी ऑफर कर रहे हैं, जो कि सही भी है। बड़े टायर देना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आजकल की जो टेक्नोलॉजी टायर्स में आ रही है ज़्यादा चौड़े टायर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके साथ आपको 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, पुरानी इनोवा के बराबर ही। उसी के साथ यहाँ पर कोई भी 360 डिग्री कैमरा नहीं है जो कि टॉप एंड मॉडल आपको दे देता है। कुछ आपको क्रोम एलिमेंट यहाँ भी दिखाया गया है। उसके साथ गाड़ी के साइड में चलेंगे तो आपको एक रूफ रेल देखने को मिल पा रही है, और उसके साथ पीछे से देखेंगे तो ऐसी दिखाई पड़ती है कुछ गाड़ी जो कि ये है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ ये पार्ट मिल रहा है ब्लैक प्लास्टिक में, यहाँ पर बढ़िया सा एक आपको अच्छा हेलमेट दिया गया है। उसके साथ टोयोटा हाई क्रॉस के साथ साथ आपको इनोवा हाई क्रॉस की ब्रांडिंग मिलेगी, टोयोटा का लोगो है, बढ़िया सा लगेगा। पीछे डिफॉगर गायब कर दिया गया है, लेकिन आपको वॉशर वाइपर दिया गया है। इस साइड देखेंगे तो 52 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें भी दिया जाता है पेट्रोल का, इसमें भी 52 लीटर का फ्यूल टैंक है, और ये गाड़ी 52 लीटर के फ्यूल टैंक में लगभग 550-600 किलोमीटर चल सकती है, और ये गाड़ी 800-900 किलोमीटर भी चल सकती है। तो ये गाड़ी का ना हाइब्रिड में अलग ही स्वाद है। एक और खास बात है कि एक आपको यहाँ 7 सीटर दिखाई गई है, एक 8 सीटर दिखाई गई है, जिस तरीके से इनोवा में रहती है। 8 सीटर वाला जो मॉडल है उसमें आपको बीच में 3 लोगों के बैठने की जगह है, और जो आपको 7 सीटर है उसमें बीच में आपको सिर्फ कैप्टन सीट्स मिलती है, तो वो काफ़ी कम लोग पसंद करते हैं जो लोग अपनी फैमिली के लिए गाड़ी ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो टॉप एंड मॉडल है ये भी बढ़िया लग रहा है। ये कुछ देख लीजिए टॉप एंड मॉडल को, कुछ हाइब्रिड की ब्रांडिंग है, एक नज़र में देख लीजिए टॉप एंड को, फिर हम चलेंगे इंटीरियर्स की ओर। यहाँ पर से आप देखेंगे टॉप एंड मॉडल की ओर, तो यहाँ पर देखिए ना सॉफ्ट टच मटेरियल आपको हर जगह देखने को मिलता है। कुछ आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल है, यहाँ पर आपको बढ़िया से डिस्प्ले है। ये गाड़ी आपको CVT के साथ मिलती है, जो कि इनका ECVT है, हाइब्रिड के साथ कपल किया गया है। लगभग 180 हॉर्स पावर के आसपास की पावर बनाता है। स्टीयरिंग आपको सॉफ्ट टच है, कुछ इतना स्पेस है। यहाँ पर देखेंगे आपको ये फिनिश दी गई है, ये हार्ड टच मिलने वाली है। उसके साथ यहाँ पर आपको मेमोरी सीटिंग ऑप्शन मिलता है, ये टॉप एंड की बात हो रही है, जिसकी कीमत है 28,97,000 रुपये एक शोरूम, करीब 29,00,000 रुपये एक शोरूम है, लगभग फॉर्चुनर के बेस मॉडल के आसपास ही। और यहाँ पर इतना कुछ हेडरूम है। एक और बात कि ये गाड़ी आपको फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ मिलती है, कोई भी इसमें आपको रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन अब नहीं आता है पुरानी इनोवा की तरह, और कोई डीजल का ऑप्शन नहीं है। उसके साथ साथ ये TNGA प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई गई है, जो कि टोयोटा का न्यू जनरेशन आर्किटेक्चर है, और हर कोई देखना चाह रहा है, बेस मॉडल को ही देख रहा है, इसमें समझते क्या है। कुछ एक्सेसरी का पार्ट आपने देखा, उसी के साथ जो डोर्स में आप सारी कट्स एंड किसेस नोटिस करेंगे,
काफ़ी मॉडर्न लुक दिया गया और अच्छा लगने वाला है। यहाँ पर कुछ एक्सेसरी का पार्ट है टोयोटा का अगेन, और अंदर चलेंगे तो डोर में काफ़ी अच्छा वेट है, जो TNGA प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल जस्टिफाई करता है इसकी क्वालिटी को। और अंदर देखेंगे तो ये कुछ आप देख रहे हैं जो आपको 19,15,000 रुपये शोरूम में इंटीरियर्स ऑफर किए गए, किस तरीके के हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखेंगे हार्ड टच है, कोई भी सॉफ्ट टच नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं क्या कुछ आपको मिल रहा है और किस प्राइस में मिल रहा है। ऑल 4 डोर्स में पावर विंडो है, ये सही चीज़ है। उसके साथ आपको क्रोम टिप के साथ आपको ये लीवर मिल रहा है। ORV बहुत बड़ा है, उसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ इतना कुछ स्पेसिंग है, गाड़ी में ऑटोमेटिक का ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर आपको डेड पेडल देखने को मिलेगा। साथ ही बैठेंगे तो गाड़ी के अंदर स्टेयरिंग आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन दे रहा है, तो ये भी एक बड़ी प्रीमियम गाड़ी वाले पूरे मजे आपको देगा। दरवाजे बंद करेंगे तो शांत हो गई गाड़ी, और यहाँ पर से आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर क्या कुछ मिल रहा है। एक और चीज़ देखी ना, ये कुछ आपको पूरा का पूरा बॉनेट मिलता है। IRVM आपको भैया सिंपल सा कहूँ तो सिंपल है, डे नाइट फंक्शन आपको दिया गया है, और ये कुछ आप देखेंगे। बाकी गाड़ी के हेडरूम शोल्डरूम इन सब बातों की बात करी जाए तो हेडरूम शोल्डरूम गाड़ी में इनफ है, कोई भी सनरूफ नहीं है, उसमें बड़ी पानोरामिक सनरूफ है, ये भी एक मेन पॉइंट है। मतलब अगर आप 8-10 लाख रुपये बचा रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक बड़ी गाड़ी का बॉडी शेल मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है, 7-8 लोगों को ले जाने की स्पेसिंग मिल रही है। साथ ही माइलेज थोड़ा कम मिलेगा, अगर आप हाइब्रिड चाहते हो तो 24 लाख में आपको VX मॉडल की ओर देखना पड़ेगा। कुछ आपको यहाँ पर स्पेस है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आप एक्सेसरी के तौर पे यहाँ पे कुछ लगवा सकते हैं, और ये कुछ है इतना स्पेस यहाँ दिया गया है। ये आप देखेंगे सिंपल फंक्शन है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड और मैनुअल मोड है, उसमें स्पोर्ट्स मोड करके लिख दिया जाता है, मैनुअल AC दिया गया है, छोटी सी स्क्रीन है, इतना स्पेसिंग यहाँ है, और ये खुलता वैसी है लेकिन सॉफ्ट टच थोड़ा सा मिस हो रहा है यहाँ पर। और साथ ही एक नज़र देख लीजिए कि इनोवा हाई क्रॉस अपने बेस मॉडल के साथ किस तरीके के इंजन लेआउट को आपको ऑफर कर रही है। ये टोयोटा के 2000cc का इंजन है जो कि अभी नॉन हाइब्रिड सेटअप के साथ है। पावर फिगर इसके थोड़े अलग है जो हाइब्रिड वेरिएंट उसमें आप देख रहे हैं, लेकिन मेन बात है कि थोड़ा सस्ता है, रिफाइंड है, 15 साल तक ये गाड़ी रोड में चल सकती है। और अच्छी बात है कि टोयोटा की रिलायबिलिटी है, जो कि आप पहले कोरोला में देखते थे इंजन जो कि 1800cc का था, उसी के आसपास, उसी का एक मैं कहूँ जो उसकी एक जो एक DNA है वही इस इंजन के साथ है, लेकिन उससे थोड़े बड़े साइज़ का इंजन है। कोई भी टर्बोचार्जर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, नेचुरली एस्पिरेटेड है, और गाड़ी के साइज़ के हिसाब से आपको इंजन भी काफ़ी कॉम्पैक्ट लगेगी, तो वो थोड़ा सा है इसके साथ, लेकिन पावर चलने में ठीक है, शहर के हिसाब से तो ठीक है। जिसको ये गाड़ी फैमिली के हिसाब से चलानी है, जो अननेसेसरी टर्बो पेट्रोल इंजन लेने को मजबूर है, जिस तरीके से XUV700 ना चाहते हुए भी पेट्रोल लेते हैं और वहाँ पर टर्बो का ऑप्शन लेते हैं, तो वो सही नहीं है। शॉर्ट रनिंग में टर्बो इंजन की लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि उसको एक अच्छी रनिंग चाहिए जहाँ पर इंजन ऑयल का सर्कुलेशन इंजन में अच्छे से हो पाए, टर्बो चार्जर को एक अच्छी ऑप्टिमल टेम्परेचर पर ऑपरेट करने का टाइम मिल पाए। तो ये नॉन टर्बो इंजन के साथ ही दिक्कत ही नहीं है, रिलायबिलिटी अच्छी है, मेंटेनेंस अच्छी है। जब आप गाड़ी को खरीद रहे तो कम खर्चा करना पड़ रहा है आपको, और ऊपर आपको हुड इंसुलेटर नहीं मिलेगा क्योंकि इंजन काफ़ी रिफाइंड स्टार्टिंग से ही है। एक नज़र आपको दिखा देते हैं इसकी सेकेंड रो सीटिंग, और वहाँ पर क्या सारी कलाकारी है वो देख लीजिए। ये कुछ आप देखेंगे ना, ये इसका सारा स्पेसिंग है। अभी मैं आपको कैप्टन सीट वाला स्पेस दिखा रहा हूँ। 52 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ दिया गया है, तो यहाँ पर आपको कुछ फैब्रिक का इस्तेमाल देखने को मिलेगा, कुछ लाइटिंग सेटअप वो एक्सेसरी का पार्ट हो सकता है जो कि यहाँ पर अलग अलग लगाया गया है। एक साइड आपको वाइट लाइट दी गई है, वहाँ पर आपको ग्रीन दी गई है। सनरूफ नहीं है लेकिन रूफ माउंटेड आपको AC वेंट देखने को मिल रहा है इसमें। यहाँ पर देखेंगे तो स्पेसिंग कितना है, तो वही इनोवा वाली स्पेसिंग है, लेकिन गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी यहाँ पर फील हो रही है, तो ये आप पसंद कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हैंडल दिया गया है, और साथ ही यहाँ पर देखेंगे जो नीचे आपको आर्मरेस्ट मिलता है, ये नीचे की ओर स्लाइड होगा और पीछे जाने के लिए आपको रास्ता एक गैलरी टाइप की दे देगा। पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा लगेज रख के थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन किया गया है कि कितने बड़े सूटकेसेस यहाँ पर आ पाएंगे, और बूट देखेंगे तो पीछे इतना कुछ है। अब इसके ये सीट फोल्ड करिए तो ये हम नहीं दिखा पाएंगे, दूसरी गाड़ी में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या सारा कुछ है। और यहाँ पर आएंगे तो ये कुछ है भैया, इसमें भी देखेंगे सीट्स को सब कुछ फोल्ड कर दिया गया, लेकिन इनोवा के साथ जो हाई क्रॉस आई है उसमें एक अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि तीसरी सीट भी काम आ रही है लोगों के, और स्पेस है इसमें। आप मेरे जो टॉप एंड मॉडल है उसका वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने दिखाया है। बाकी ये सीटें देख रहे हैं आप, इनको फोल्ड करा है, इसको अगर आप चाहे तो ऐसा कुछ करके इनको फिर से ऊपर की ओर लाके आगे पीछे स्लाइड करके सारे ऑप्शन कर सकते हैं। गाड़ी 8 सीटर है, 2 लोग आगे बैठेंगे, 3 लोग बीच में बैठ रहे हैं और फिर से 2 लोग पीछे बैठेंगे। बूट की बात की जाए तो वही लगभग बूट है इसका, 250-300 लीटर का, ज़्यादा बूट में गुंजाइश नहीं है, लेकिन गाड़ी ओवरऑल ठीक ठाक बनी हुई है। ये इसका जो कलर ऑप्शन है सबको पसंद आ रहा है, और इसका एक लॉन्चिंग कलर भी बन चुका है और अच्छे तरीके से काम किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। मैंने एक अपडेट आपको दिया है कि किस तरीके के फीचर फ्रंट के साथ आपको इनोवा हाई क्रॉस का बेस मॉडल देखने को मिल रहा है,
तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी ये गाड़ी। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आज है ऑटो एक्सपो 2023 में टोयोटा के पवेलियन में, गाड़ी अच्छी लॉन्च कर रहे हैं और इस बार सच में एक सीरियस नोट के साथ टोयोटा आई है। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर दिखाई है, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ दिखाई है जो कि इंडिया में आपको अगले 20-30 साल तक भी ना देखने को मिले, लेकिन फिर भी पूरी मेहनत यहाँ पर की गई है। ये कुछ रही आपकी इनोवा हाई क्रॉस अपने बेस मॉडल में, और पसंद आया होगा आपको। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बताइए टोयोटा की मुहिम आपको कैसी लगी। गुड बाय।